बेस्ड ऑन स्कैल्पिंग होने वाला है कि स्कैल्पिंग करने का सही तरीका क्या है उसको हम समझने वाले हैं ठीक है तो वीडियो को लास्ट तक देखो और मेक श्योर sure अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और पहले से वीडियो को लाइक कर दोगे तो मजा आ जाएगा ठीक है तो कुछ पॉइंट्स है मैं बात करूंगा शॉर्ट और जितना अच्छे से आप इसको समझ पाओ तो स्कैल्पिंग करने के लिए कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ता है चलिए एक एक पॉइंट करके मैं उस पर डिस्कस करता हूँ ठीक है सो गाइज अगर आपको ऑप्शन वाइज में पैसा बनाना है सिंपल सी बात है आपको पैसा बनाने के लिए मार्केट में क्या चाहिए पहला पॉइंट है मोमेंटम आपको मार्केट में मोमेंटम चाहिए अगर आपको मार्केट में मोमेंटम नहीं है मार्केट में आपको एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा है मार्केट में आपको एक डायरेक्शन में मार्केट मूव मूव करता हुआ नहीं दिख रहा है इट मीनस आप पैसा नहीं बना सकते हो तो आप अगर ये सोचो कि यार मैं साइडवेज मार्केट में पैसा बनाऊँ साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बाइंग करके पैसा बनाऊँ वो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है और खासकर जो अभी के मार्केट चल रहे गैप है गैप डाउन उसके बाद मार्केट साइडवाइज वगैरह रेंज में बैठ जाता है वहाँ पर खासकर ऑप्शन बायर पैसा लूज़ कर दिया जाए तो जब तक मार्केट में मोमेंटम नहीं है तब तक क्या है आप स्कैल्पिंग हेल्पिंग में पैसा नहीं बना सकते हो इस मोमेंटम किसको कहते हैं मैं चार्ट आपको दिखा देता हूँ कि मोमेंट मोमेंटम जो मैं बोल रहा हूँ वो एक्जैक्टली किस चीज़ की बात कर रहा हूँ सो so, अगर आप बात कर बात करेंगे मोमेंटम तो ये है ये अगर आप चार्ट देखोगे तो प्रीवियस मार्केट का चार्ट है इसको अगर आप देखोगे तो इसको कहते हैं मूवमेंट जहाँ पर हमारी एवरेज कैंडल्स से एवरेज जो कैंडल्स बननी है जिसको आप कहते हो इस इस तरीके की ये डोजी कैंडल्स ये स्कैल्पिंग के लिए कभी नहीं हो स्कैल्पिंग इन डोजी कैंडल्स पे आप करोगे आप फंस जाओगे इसमें क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि यार प्राइस मूव क्यों नहीं कर आपको स्कैल्पिंग के लिए इस तरीके की के हेल्दी कैंडल्स चाहिए इसको कहते हैं मोरू वोजो कैंडल बुलिश कैंडल या बेलिश कैंडल किसी भी एक डायरेक्शन में आपको हेल्दी कैंडल्स चाहिए तब तभी आप जाके उस डायरेक्शन में स्कैल्प कर सकते हो ठीक है तभी आप जाके उस डायरेक्शन में स्कैल्प कर सकते हो जब तक आपको कोई हेल्दी कैंडल नहीं मिलती है तो हेल्दी कैंडल मिलने का मतलब क्या है मार्केट में क्या है मोमेंटम है मार्केट में कोई एक डायरेक्शन आपको मार्केट दिखा रहा है अगर बुलिश कैंडल है इट मीनस वहाँ पर बायर्स एक्टिव है ठीक है अगर बी एज कैंडल आती है हेल्दी कैंडल इट मीन्स वहां पर सेलर्स एक्टिव है इट मीन्स हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस उस डायरेक्शन में जा सकता है तो मोमेंटम जहां पर नहीं है जहां पर मोमेंटम नहीं है जहां पर बहुत ज़्यादा डोजी कैंडल्स बन रही है वहां पर स्कैल्पिंग को अवॉइड करो और स्कैल्पिंग क्या खासकर ऑप्शन बाइंग को ही वहां पर अवॉइड करो आप सेलर हो ठीक है सेलिंग कर सकते हो लेकिन जहां पर इस तरीके की के डोजी कैंडल्स बन रही है वहां पर बाइंग को अवॉइड करना चाहिए सोच जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कैल्पिंग के लिए वो है स्मॉल टारगेट्स स्मॉल टारगेट्स कैसे जब आप क्या बोलते हैं अपने स्कैल्पिंग अगर आपको करनी है स्मॉल टारगेट्स में ओनली फॉर स्कैल्पिंग कह रहा हूँ अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है आपके जो टारगेट्स होंगे वो छोटे रहेंगे इसका मतलब आप ये कहोगे फिर यार रिस्क टू रिवॉर्ड एशू क्या बैठा है इसमें इसमें तो रिस्क टू रिवॉर्ड एश्यू कुछ भी नहीं है आप हम यहाँ पर दो परसेंट तीन परसेंट पाँच परसेंट या ज़्यादा से ज़्यादा दस परसेंट का टारगेट ले लेंगे लेकिन हमारा लॉस जो हो जाता है बड़ा हो जाता है तो मैं स्मॉल अगर टारगेट मैं कह रहा हूँ कि अगर आप स्केल पर हो आपको स्मॉल टारगेट्स पर फोकस रखना है इट मीनस वहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आपका वन है तो वहाँ पर जो आपको अगर कहीं पर लॉस ज़्यादा है टू दो का तीन का पाँच का लॉस दे प्रॉफिट ले रहे हो तो वहाँ पर लॉस भी आपको फाइव परसेंट या टेन परसेंट का लेना पड़ेगा अगर आप इससे ज़्यादा जा रहे हो होप में होप में अगर आपने ट्रेड को होल्ड कर दिया आपको ये लग रहा है ये ट्रेड मुझे ऐसा लग रहा है आपके सही डायरेक्शन में जाएगा तो वो वहाँ पर वो वहा, वहाँ पर आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे वहाँ पर पा आप ऑप्शन बाइंग में स्कैल्पिंग में पैसा नहीं बना सकते अगर आप ऑप्शन बाइंग या स्कैल्पिंग जो आप कर रहे हो स्कैल्पिंग कर रहे हो तो उसमें अगर आपको टारगेट अपने स्मॉल रखने तो पहले से दिमाग में एक पॉइंट आपका क्लियर रहना चाहिए कि मेरे to, मेरे प्रॉफिट्स भी भी अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू टू लॉस प्रॉफिट से अगर मैं प्रॉफिट का ले रहा हूँ तो मेरा लॉस कभी भी टेन फिफ्टीन परसेंट से ऊपर नहीं जाएगा अगर आपका स्कैल्पिंग के अंदर लॉस आपके प्रॉफिट से बढ़े जा रहे हैं पर स्कैल्प अगर किसी स्कैल्प में आप दस हजार बीस हजार तीस हजार पचास हजार जो भी आप आपके क्वांटिटी अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट निकालते हो उसके अंगेंस्ट में जब लॉस जा रहा है आप उसको एक एक दो दो लाख तक होल्ड कर रहे हो इटम मीन्स आप कभी भी स्कैल्पिंग में सक्सेसफुली प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे सक्सेसफुल स्कैल्पर नहीं बन पाओगे स्कैल्पिंग के लिए आपको टारगेट्स स्मॉल रखने पड़ते हैं आपको बिग टारगेट की कभी एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं होती आपकी तरफ से अगर मार्केट चाहे हजार पॉइंट मूव करे चाहे सौ ही पॉइंट की रेंज में रहे आपके दिमाग में क्लियर रहेगा कि हां मुझे 5 टाइम अगर मैं एक स्कैल्प मार रहा हूं मुझे 5 टू 10% 20% बुक करना है बुक करना है अगर मैं कोई मार्केट ट्रेंडिंग है सपोज ये मार्केट किसने कितना पॉइंट मूव कर वन थाउजेंड मूव करिए वन थाउजेंड पॉइंट मूव कर तो कर, कर गया है अगर यहाँ से 1000 एक वन थाउजेंड पॉइंट का एक रैली दे दिया है तो आपको जगह जगह पर स्कैल्पिंग के लिए एंट्रीज मिली है ना बस इतना होगा कि फ़र्क से इतना होगा आप हर जगह पर फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट बुक कर इजीली बुक कर करें क्योंकि आपको मोमेंटम मिल रही है डायरेक्शन मिल रही है जिस दिन साइड मार्केट होगा उस दिन एक से दो स्कैल्प आपके होंगे ठीक है लेकिन जिस दिन डायरेक्शनल मार्केट होगा जहाँ पर हजार पॉइंट मार्केट मूव कर रहा है वहाँ हो सकता है दस से पंद्रह आपके स्कैल्प हो जाए ठीक है क्यों क्योंकि मोमेंटम है डायरेक्शन में लेकिन अगर आप अपना रूल तोड़ दोगे कि एक दिन आज होल्ड आज करके देखते हैं क्या पता चला जाए ये एक दिन का होल्डिंग आपको किसी एक दिन बहुत बड़ा लॉस दे सकता है तो स्मॉल स्मॉल टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस ये है हमारा स्कैल्पिंग का सो so गाइस जो थर्ड अपना मोस्ट पॉइंट है स्कैल्पिंग के अंदर वो है फास्ट एग्जीक्यूशन आपको क्या रहना पड़ेगा अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो आपको क्या चाहिए आपको आपको ट्रेड पंच करने का ट्रेड जैसे आप बाईर फास्ट एग्जीक्यूशन मतलब क्या मैं कह रहा हूँ बाय या सेल बाय एंड सेल आप सिंपल सी बात है किसी भी ऑप्शन को आप बाय करोगे फिर एग्जिट करोगे क्योंकि आप ऑप्शन बाय बायोग तो बाय एंड सेल जब आप करते हो ये बाय वाला जब आपका पंचअप होता है या सेलिंग आपकी पंचअप होती है एक बात का बिल्कुल ध्यान रखो कि अगर इसमें आपने डिले कर दिया है आपको पता है कि मैंने प्रीमियम को 50 पे उठाना है आपको एनी हाउ उसको 50 पे पिक करना पड़ेगा क्योंकि आपने डिसाइड किया था 50 से जैसे ही इक्यावन या बावन पे आप उठा दोगे तो आपका दो डेढ़ दो परसेंट या ढाई परसेंट तो ये भी चला गया ठीक है अगर आप 50 का आपने बाउंड उठा दिया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होना चाहिए अगर आप एक स्कैल्पर पर हो आपके पास फास्टेस्ट फास्ट इंटरनेट होना चाहिए आपका इंटरनेट स्लो नहीं होना चाहिए अगर आपका फोन हैंग कर रहा है फोन लैग कर रहा है सिस्टम लैग कर रहा है सिस्टम पर आप क्वान्टीज पर जब को एंट्री कर रहे हो तब तक तो वो ऐसे ऐसे बफर बनाते जा रहे हैं बफर बनाते जा रहे आपकी क्वान्टिटीज़ एंट्री या टाइम से एंट्री नहीं होती टाइम से एग्जिट नहीं होता तो आप बहुत बड़ा लॉस फेस कर सकते हो स्केल्पिंग के अंदर क्योंकि अगर आपका एग्जीक्यूशन फास्ट नहीं रहा क्यों यहाँ पर लॉस हो सकता है क्योंकि आपके यहाँ पर जो क्वान्टिटी होती है क्वाटिटी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बड़ी होती है बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी से आप ट्रेड कर रहे होते हो स्केल हाई क्वांटिटी फास्ट मोमेंटम के साथ फास्ट एग्जीक्यूशन अगर आपका नहीं होता है मैक्सिमम लॉसेस हो जाते हैं क्योंकि आपको पता है आपको प्रीमियम के अंदर अगर आपका प्रीमियम दस फिफ्टी के प्रीमियम पर आपने उठाया फिफ्टी का सिक्सटी चला गया सिक्सटी से फोटी आने में उसको टाइम लगेगा फिफ्टी से वापस फिफ्टी आने में टाइम लगेगा अगर आपने फिफ्टी पर कोई प्रीमियम उठाया फिफ्टी फाइव की आपको पता है टेन परसेंट निकल चुका कुछ क्वान्टिटीज़ एग्जिट करना स्टार्ट कर दो क्योंकि आपका दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा होता है और तो अगर आपने फिफ्टी के प्रीमियम को पर उठाने के बजाय फिफ्टी टू या फिफ्टी थ्री पर उठा दिया ठीक है लेट एग्जीक्यूशन में आप अब सोचो खुद कि आपका वहां पर जो प्रॉफिट होने की प्रॉबिलिटी थी फिफ्टी का फिफ्टी फाइव या आप निकलोगे ना आप सोचोगे कि सिक्सटी सिक्सटी टू पर निकलो है ना तो वो जो वो सिर्फ किस लिए होता है कि आप टाइम से बाय एग्जीक्यूट नहीं करते हो टाइम से सेल एग्जीक्यूट नहीं करते हो तो जितना फास्ट आपका एग्जीक्यूशन होगा उतनी अच्छी आपकी स्कैल्पिंग की स्किल होगी सो गाइस फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कैल्पिंग अगर आपको करनी है वो है आपका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन स्ट्राइक प्राइस को जितने टाइम टाइम रहते है आप जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करोगे और जल्दी अपना परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट कर लोगे स्कैल्पिंग के लिए आपको काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा ठीक है एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ सीधा अब अभी अगर यहाँ पर देखो आपके पास एक चार्ट ओपन है चार्ट में देखो यहाँ पर एक रेंज बनी हुई है रेंज के बाद ब्रेकआउट हो है पहली चीज़ अगर आप बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग करो हाई वॉलेटिलिटी रहती है आपके प्रीमियम ईजीली फिफ्टी फिफ्टी परसेंट का ऊपर नीचे का डिप देते हैं आप इसमें स्कैल्पिंग अगर झेल सकते हो फिफ्टी फिफ्टी का स्टॉप लॉस फिफ्टी फिफ्टी परसेंट के टारगेट अगर ले सकते हो तभी आप जाओ अगर इतनी टिलिटी आपको झेलने की हिम्मत है दूसरी चीज यहाँ पर क्वांटिटी आपकी जो हमेशा कम रहेगी अगर आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो ठीक है निफ्टी में काम कर रहे तो वहाँ पर आप, आप एवरेज क्वांटिटी जो आप लेके चलते हो वो लेके कर सकते हो बट बैंक निफ्टी में मत करना है, स्कैल्पिंग हैवी क्वांटिटी से अब हम बात करते हैं कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन ठीक है सपोज करा हमारा प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है एटीन थाउजेंड निफ्टी हमारा एटीन थाउजेंड पर करंट चल रहा है अभी मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर एटीन थाउजेंड प्राइस मूव कर रहा है ठीक है आप स्केल पर आपको अच्छा मोमेंट भी चाहिए स्पीड भी चाहिए स्पाइक भी चाहिए यहाँ से आप सीधा अगर आपको ट्रेड करना आपको बुलिश यहाँ से मोमेंटम ब्रेकआउट होता है वो देख रहा है बुलिश मोमेंटम दिख रहा है अठारह हज़ार जीरो पचास की सी पकड़ लो ठीक है फिफ्टी पॉइंट ओ टी एम जा सकते हो फिफ्टी पॉइंट ये क्या हो एक तरीके से एट द मनी ही हो जाएगा अगर यहाँ से प्राइस अठारह हज़ार से ऊपर को निकलने लग गया ये एट द मनी हो अगर यहाँ से प्राइस हमारा नीचे आने लग गया है एटीन थाउजेंड से नीचे को फॉल करने लग गया प्राइस नीचे आने लग गया आप और अच्छी कैंडल आपको आती हुई दिख रही है आप क्या कर सकते हो सेवनटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी की पी को ट्रेड कर सकते हो इससे ऊपर या इससे नीचे नहीं जाना है 50 पॉइंट ओ में आप ट्रेड कर सकते हो 50 पॉइंट स्लाइटली आउट ऑफ द मनी पे आप ट्रेड कर सकते हो अगर आप एक क्या हो मोमेंटम स्केल पर अगर आप एक स्केल पर हो तो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है उसका मैंने सही सही तरीका बता दिया है खासकर स्कैल्पिंग के लिए क्योंकि स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने की वजह से ही अच्छे मोमेंटम आते हैं और सपोज़ कि अगर ये प्राइस यहाँ से एटीन से ऊपर निकलता है एटीन थाउजेंड गया हो आपने एटीन की स्ट्राइक प्राइस पर स्केल्प किया है और आप एटीन थाउजेंड से जब निकल रहा था एटीन थाउजेंड ट्वेंटी उसके आसपास आपने इसको पकड़ लिया और उसके बाद इसके जो मूव प्रीमियम्स ना काफ़ी अच्छे मूव करते हैं काफ़ी अच्छे मूव करते हैं तो आप कुछ क्वांटिटी एग्जिट करके 50 परसेंट ऑफ द अपनी क्वांटिटी को एग्जिट करके अगर आपका प्राइस एटीन थाउजेंड फिफ्टी के ऊपर निकल रहा है आप रिमेनिंग क्वांटिटी को होल्ड भी कर सकते हो तो स्कैल्पिंग से होल्ड भी किया जा सकता है ट्रेड को लेकिन अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी को एक्जिट करिए एक तरीके से अगर आपने कहीं पर थाउजेंड क्वान्टी डाल है आप सेवन हंड्रेड क्वानिटी वहाँ पर निकालो थ्री हंड्रेड क्वांटिटी छोड़ दो ताकि आपको वो जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो अच्छा प्रॉफिट देते रहे तो स्ट्राइक प्राइस अगर आपको चूज़ करना है तो फिफ्टी पॉइंट ओ टी एम पर ही जाओ चाहे कॉल साइड जा रहे हो चाहे पुट साइड जा रहे हो इससे ऊपर आप जाने के सोचोगे कि यार मैं हंड्रेड टू हंड्रेड पॉइंट ऊपर की स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड ट्रेड करूँ जहाँ पर मेरे को प्रीमियम दस रुपये के मिले दस का बीस चला जाए मेरा पैसा डबल हो जाए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा दस का सात आएगा सात का जीरो जाएगा और यहाँ प्राइस ऊपर को ही जाएगा ठीक है तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द स्कैल्पिंग आई होप आपको मेरे ये चार पॉइंट्स समझ में आए होंगे अगर आप एक स्कैल्पर बनना चाहते हो अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो और रिमेंबर हर दिन का मार्केट ऑप्शन बायर का नहीं है अगर आप मार्केट को ऑब्जर्व करोगे आप मार्केट को देखोगे हर दिन मतलब हर टाइम पर ऑप्शन बाइंग नहीं होती है तो जितना आप कम ऑप्शन बाइंग करोगे और जितना ज़्यादा इन चार पॉइंट्स पे ध्यान देकर ऑप्शन बाइंग करोगे खासकर स्कैल्पिंग करोगे उतना ही ज़्यादा आपके प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाते सो आई होप आपको ये वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा ये चार पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे ऐसी मैं लर्निंग वीडियोस अपने इस चैनल पर लाते रहूँगा तो मेक श्योर sure आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर करना और इस वीडियो का हम एम रखते हैं फाइव थाउजेंड लाइक अगर मेरे को फाइव थाउजेंड लाइक मिल जाते हैं इस वीडियो पर तो मैं वो लाइव स्कैल्पिंग का एक और वीडियो आप सभी लोगों के लिए इस चैनल पर लेके आऊंगा बाकी चैनल को ऐसे प्यार करते रहो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और मिलते हैं आपको ऐसी एक और लर्निंग वीडियो में टिल टिलदन बाबा सी यू